हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजनेट प्रो पे। और दोस्तों आज फिर एक बार आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, रिसर्च में आप ये 10 कीवर्ड कर लेना और पहली बार में ही आपका नेट और ZRF क्वालिफाई हो सकता है। और ये हमारी इंपॉर्टेंट कीवर्ड की दूसरी वीडियो है। इससे पहले दोस्तों हमने एक और वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 2012 से लेके 2023 तक हर बार रिपीट होने वाले 10 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आगे भी एग्जाम में आएंगे। और इन 10 क्वेश्चन को केवल एक शब्द देख के आपको किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। और रियली मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप एक बात कहेंगे कि सर आपने ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाई। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूं। रिसर्च एप्टीट्यूड में बस ये 5 कीवर्ड देख लो, पेपर एक में 10 नंबर आपके पक्के और जिंदगी भर याद रहेंगे टॉपिक। और मैंने आपको ऐसा क्या बताया है इन वीडियो में, एक एक शब्द मैंने बताया, केवल एक शब्द को देख के आप पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। पूरी राम कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक शब्द से आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और हाँ, एक और आप लोगों से मेरे को शिकायत है, आप सभी दोस्त वीडियो को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत से दोस्त केवल वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्त लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000-8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों, आप 500-1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टाइप ऑफ स्केल के बारे में, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल। और उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वर्कशॉप, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद में हम बात करेंगे रिसर्च एथिक्स। इन सभी टॉपिक में मैं आपको एक एक शब्द ऐसे बताऊंगा जिनको देख के आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल की, और इनको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं, उसके बाद में हम इन क्वेश्चन को करेंगे। जी देखिए इसके अंदर क्या है, हमारा सबसे पहले है नॉमिनल स्केल है। नॉमिनल स्केल को हम किस तरह से याद करेंगे, कैसे हम इसको पहचानेंगे, इसके अंदर जो भी हमारी चीज़ होती है उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है कुछ, तो इस तरह से उसको हम पहचानते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारे रेसर है, यहाँ पे रेस लगा रहे हैं, रनर है, तो इनको नाम दे दिया, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 3 नंबर है। और यहाँ पे और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे किसी को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ये मेल है, ये फीमेल है, ये कार है, ये बाइक है, इस तरीके से नाम से संबोधित करते उस चीज़ को, या फिर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों ऑर्डिनल स्केल की बात करते हैं। ऑर्डिनल स्केल के अंदर उसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं, ये पहले नंबर पर आया, दूसरे पर आया, तीसरे पे आया, या फिर उसको सीक्वेंस में लगाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि उसका एक ऑर्डर डिसाइड होता है उसके अंदर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रनर थे, यहाँ पे इन्होंने रेस लगाई, उसके बाद में इसका तीसरा स्थान आया, इसका दूसरा आया, इसका पहला स्थान आया। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इंटरवल स्केल की बात करते हैं। और इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर
जो भी हमारे नंबर होते हैं उनको एक इंटरवल के अंदर डिसाइड किया जाता है, जैसे कि 0 से लेके 10 स्केल है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ये बंदा है तीसरे नंबर पे, ये जो बंदा आया है इसकी क्या पोजीशन रही है, इसको 10 में से कितने नंबर मिले हैं, 8 में से 8.2 इसको पॉइंटिंग दी गई है। उसके बाद में सेकेंड नंबर को 9.1 दिया गया है और फिर 9.6 दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पे इंटरवल होता है, और भी कई चीज़ें होती है इसके अंदर। इंटरवल के अंदर हम बात करें जैसे 5 से लेके 10, 10 से लेके 15, 15 से लेके 20, इस तरीके से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। कहने का मतलब है इंटरवल होता है इसके अंदर, एक डिसाइड होता है भी उसके अंदर में से हमें पोजीशन देनी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों रेशो स्केल की बात करते हैं। रेशो स्केल के अंदर क्या है कि एक्चुअल में जो रिजल्ट आया है, एक्चुअल चीज़ हम बताते हैं भाई ये बंदा कितने मीटर तक दौड़ा। ये 15.2 मीटर तक दौड़ा, फिर ये 14.1 मीटर तक दौड़ा, और ये 13.4 मीटर तक दौड़ा। यहाँ पे एक्चुअल जो चीज़ है वो हम यहाँ पे बताते हैं, और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशो स्केल, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जेंडर की बात करते हैं। जैसे जेंडर हो गया, ये यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं जेंडर, जैसे मैंने आपको बताया था मेल फीमेल की बात होगी, रिलीजन की बात होगी, पोस्ट कोड, इनकी बात यहाँ पे हम करेंगे। उसके बाद हम ऑर्डिनल स्केल की बात करते हैं, इसके अंदर जैसे एग्ज़ाम में नंबर आ गए, ठीक है, नंबर 70 से 80 नंबर आए हैं तो उसको हम क्या ग्रेड देंगे, ए ग्रेड दे दिया, बी ग्रेड दे दिया, सी ग्रेड दे दिया। ये देखिए ये ग्रेड आ गई हमारी, ये पोजीशन आ गई। पोजीशन मैंने आपको बताया था पीछे, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है, कितनी पोजीशन है वो हमने बता दी। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरवल स्केल की बात करते हैं। इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बता देते हैं भाई आज का जो टेम्परेचर है वो किसके बीच में रहेगा, 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच में हमारा आज का जो टेम्परेचर है वो रहने वाला है। इस तरीके से यहाँ पे इंटरवल होता है। और रेशो स्केल के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम एग्जैक्ट जो चीज़ है ना वही चीज़ हम बताते हैं। हम पूछते हैं भाई राजेश की हाइट कितनी है, तो राजेश की हाइट बता देते हैं 5 फुट 3 इंच है, एग्जैक्ट जो चीज़ है एग्जैक्ट ही वहाँ पे हम बताते हैं। वहाँ पे वेट बता देते हैं भाई किसी भी चीज़ का ये वेट है। और अगर हमें टाइम की बात करें, टाइम बता देते हैं भाई आज 2:04 हुए, एग्जैक्ट चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। और एक और चीज़ है दोस्तों इसके अंदर जो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कीवर्ड आपको याद रखने एग्जाम के अंदर। सबसे पहले नॉमिनल स्केल के अंदर मैंने बताया आपको क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, नाम से डिसाइड करते हैं किसी चीज़ को और उसे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे मेल फीमेल, कार बाइक हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की। ऑर्डिनल स्केल के अंदर क्लासिफिकेशन भी होगा प्लस में ऑर्डर होगा, ऑर्डर मैंने बताया था ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरवल स्केल की। इंटरवल स्केल के अंदर क्लासिफिकेशन भी होता है, ऑर्डर भी हो सकता है, और एक चीज़ और होती है इसमें इक्वल यूनिट होती है। ये मैंने आपको बताया था ना 5 से लेके 10, 10 से लेके 15, 15 से लेके 20, इस तरीके से इक्वल यूनिट इसके अंदर होती है। फिर हम बात करते हैं रेशो स्केल। रेशो स्केल एक ऐसा स्केल है दोस्तों, इसके अंदर सभी स्केल की करेक्टरिस्टिक्स होती है। इसमें क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल यूनिट भी होती है, और प्लस में एब्सोल्यूट जीरो की बात इसके अंदर हम करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। जो हमारे पास एक्चुअल डेटा आया है उसी डेटा को हम यहाँ पर बताते हैं जी। तो दोस्तों ये चीज़ आपने समझ ली, ये कीवर्ड्स आपने देख लिए। यहाँ पे कीवर्ड से मैं बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, इक्वल यूनिट हो गया, और एब्सोल्यूट जीरो हो गया। अब इन्हीं के बेस पे आपको किस तरह से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आंसर आप लोगों को देना है, क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, ठीक है जी। चलिए देखते हैं हम। तो चलिए दोस्तों अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को करके देखते हैं, और जो दोस्त इनका राइट आंसर देगा उन्हें मैं मलेशिया के टूर पे लेके चलूंगा। हाँ दोस्तों मलेशिया के टूर पे। चलिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं द स्केल पोजेस ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल। ऐसा कौन सा स्केल है जिसके अंदर सभी स्केल की विशेषताएं होती है। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जी। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। क्या वाओ क्या बात है, डी आंसर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर इसका डी होगा जी। रेशो स्केल इसका राइट आंसर होगा, और रेशो स्केल के अंदर सभी स्केल की विशेषताएं होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। द काइंड ऑफ नंबर व्हिच डू नॉट रिप्रेजेंट अमाउंट बट इंस्टेड रिप्रेजेंट काइंड। ये देखिए इसके अंदर क्या कहता है कि ये अमाउंट रिप्रेजेंट नहीं करता, ये काइंड उसका प्रकार रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट क्वालिटीज, टाइप और करेक्ट
कैटेगरीज, ये उसकी डिफरेंट जो टाइप है उसकी कैटेगरी है वो रिप्रेजेंट करता है। कैटेगरी किसके अंदर रिप्रेजेंट की जाती है बताओ, मैं अभी बता के आया हूँ आपको। कैटेगरी किसके, कैटेगरी और क्लासिफिकेशन किसके अंदर किया जाता है? एब्सोल्यूट के अंदर, प्राइम के अंदर, नॉमिनल के अंदर, ऑर्डिनल के अंदर, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। जी तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल के अंदर हम क्या बात करते हैं, क्लासिफिकेशन और कैटेगरी की बात करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, शाबाश, बिल्कुल सही है। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, मैच द कॉलम हमें करना है, मैचअप करना है जी। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आया था हमारा 2 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट में। सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं नीचे कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको हम करवा रहे हैं, बहुत ही धमाकेदार वीडियो है ये। देखिए नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल के अंदर क्या होगा दोस्तों, नॉमिनल स्केल के अंदर हमने बात की थी ना, क्या होगा इसके, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा क्या इसका नॉमिनल के अंदर? आप बताना, मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता, ठीक है आप बताना जी। नॉमिनल का क्या होगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डिनल की, बात करते हैं ऑर्डिनल से ऑर्डर, ऑर्डिनल से क्या आता है हमारा, ऑर्डर आता है जी। तो ऑर्डिनल के अंदर हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन प्लस में ऑर्डर, ये हो गया हमारा। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इंटरवल स्केल की, बात करते हैं इंटरवल के अंदर क्या होता है, इंटरवल होता है और इक्वल यूनिट्स होती है इसके अंदर। तो इसका क्या हुआ, इंटरवल के अंदर क्लासिफिकेशन भी होगा, ऑर्डर भी होगा और इक्वल यूनिट भी होगी इसकी। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों रेशो स्केल की, बात करते हैं और रेशो स्केल के अंदर हमारे पीछे के जितने भी स्केल हैं उन सभी स्केल की विशेषता इसमें होती है। तो राइट आंसर इसका ये देखिए, रेशो का क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए, ए का क्या होगा, थ्री। ए का थ्री किसके अंदर है, इसमें है क्या, इस तीन और चार के अंदर है जी। और उसके बाद में हम करते हैं ऑर्डिनल, बी का फोर, बी का फोर ये रहा, और सी का टू, सी का टू ये रहा, और डी का हमारा वन ये रहा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, राइट आंसर इसका फोर होना चाहिए ना, है ना, फोर होना चाहिए ना। चलिए इसका राइट आंसर हम देखते हैं, राइट आंसर क्या होगा जी। वाओ क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश दोस्तों जी, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका फोर है। और आगे हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं और मैं ये आंसर जो है हाइड कर देता हूं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, ये हमारा क्वेश्चन 2021 एग्जाम में आया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, और क्या चीज़, क्या कीवर्ड्स हमें ध्यान में रखने हैं। अब देखिए ये आ गया हमारा, इसके अंदर नॉमिनल पूछ लिया, नॉमिनल के अंदर हम किसकी बात करते हैं, कैटेगरी की बात करते हैं और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे है क्या, कहीं पे कैटेगरी सेपरेट इन वैल्यू, ये रैंकिंग, हाँ ये रहा, ये रहा कैटेगराइजेशन, ये देखिए ये रहा ऑप्शन फोर। तो ए का ये यहाँ पे मैचअप हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनल के अंदर क्या करते हैं हम, ऑर्डिनल के अंदर ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर मीन्स 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ऑर्डर देते हैं ना उनको, और इसको क्या कहते हैं, रैंक भी तो कहते हैं ना, रैंक भी कहते हैं, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये दो, ये देख लीजिए आप, ए का फोर, ए का फोर किसके अंदर है, ये रहा हमारा, और बी का थ्री, बी का थ्री किसके अंदर है, ये रहा। आपको ये आपके लिए दो ही कर लीजिए, ठीक है, ये दो करने से ही आपका राइट आंसर यहाँ पे आ गया है। और इसका राइट आंसर देखें, राइट आंसर क्या होगा, वाओ क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश दोस्तों। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन टू है, और केवल ये दो ऑप्शन करने से ही हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए मैं इसको ये कर देता हूँ। देखिए नॉमिनल के लिए हमने एक शब्द याद किया था ना, नॉमिनल के लिए क्लासिफिकेशन याद किया था, ऑर्डिनल के लिए ऑर्डर याद किया था, एक क्वेश्चन के लिए एक शब्द याद करना है, और 10 क्वेश्चन के लिए आपको 10 शब्द याद करने हैं। और इसी तरीके से सभी यूनिट के, अगर दोस्तों मैं आपको कीवर्ड बता दूं, ठीक है, रिसर्च में, आईसीटी में, टीचिंग में, सभी में आपको कीवर्ड बता दूं, तो आप सोच सकते हैं आपका काम कितना आसान हो जाएगा, और पहली बार में ही आपका नेट रिजल्ट क्वालिफाई हो जाएगा जी। तो ऐसे हमने नोट्स बना रखे हैं, सभी यूनिट्स के नोट्स बना रखे हैं 2012 से लेकर 2023 तक, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, उनके टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने अलग अलग किए हुए हैं। अगर आपको वो नोट्स लेने हैं, ये पीडीएफ लेनी है, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
जी आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था हमारा 6 दिसंबर 2019 को आया था और इसके अंदर हमारा क्या है वो हम देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर क्या है, क्वेश्चनायर एंड इंटरव्यू है और इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड वैल्यू टेस्ट। अच्छा उसके बाद में लास्ट में ये देखिए ये हमारा स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट। अब ये बताइए फ्रीक्वेंसी किसके अंदर बात की थी, थोड़ा सा सोचिए सोचिए। फ्रीक्वेंसी की एब्सोल्यूट जीरो की बात, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू हम बताते हैं भाई इसकी ये वैल्यू, इसका वजन इतना है, टाइम 2:13 हुए हैं, तो ये किसके अंदर हम करते थे, रेशो स्केल के अंदर करते थे क्या हम, रेशो स्केल के अंदर करते थे ना। और यहाँ पे देखिए डी का वन किसके अंदर है, डी का वन इसके अंदर है, ये देखिए डी का वन इसके अंदर है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनल के अंदर क्या करते हैं हम, क्वेश्चनायर करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर हम शब्दों का उपयोग करते हैं, क्वेश्चनायर के अंदर शब्दों का उपयोग करते हैं, यहाँ पे रैंक वैंक वगैरह तो नहीं देते ना, आप यहाँ पे सोच सकते हैं। देखिए मान के चलिए क्वेश्चनायर का ऑर्डर ऑर्डिनल कर सकते हैं क्या, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और इंटरवल भी नहीं कर सकते, तो एक आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉमिनल यानी कि फोर, ए का फोर, ये देखिए ए का फोर यहाँ पे ये आ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना दोस्तों, मज़ा आ रहा है, तो यार चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियोज बनाते रहे। अगर आप सभी यूनिट की वीडियो चाहते हैं कि आप लोग टीचिंग की, ICT की, रिसर्च की, सभी यूनिट की वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस फ्री में बनाएंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, स्टडी नोट्स चाहिए, एड फ्री वीडियो चाहिए, लाइव मॉक टेस्ट चाहिए और बहुत कुछ चाहिए आपको, कंप्लीट स्टडी चाहिए पेपर फर्स्ट की, तो आप हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन करना भाई, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी तो दोस्तों आपने ये देखे ऑर्डिनल इंटरवल और रेशो स्केल किस तरह से आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जी तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की, बात करते हैं अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा, ये है वर्कशॉप सेमिनार और कॉन्फ्रेंस। जी वर्कशॉप हमारी क्या होती है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस क्या होती है, इन सभी के बारे में हम जानते हैं और क्या कीवर्ड्स है उनको हमें ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वर्कशॉप की, बात करते हैं वर्कशॉप, आपने देखा होगा जैसे ITI वगैरह करने जाते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, है ना, वर्कशॉप के अंदर वहाँ पर प्रैक्टिकली वर्क किया करवाया जाता है। तो जहाँ पर हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बात हो, हाथों के देखिए दो तरह की चीज़ होती है, एक तो होती है हमारी थ्योरेटिकली, यानी कि आराम से बैठ के लेक्चर सुन रहे, थ्योरी सुन रहे, तो वो तो क्या हो गया, हमारी थ्योरेटिकल वर्क हो गया, और एक हम चीज़ें करके देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी बच्चे को 10 घंटे तक हम वीडियो दिखाएंगे, बेटा साइकिल ऐसे चलती है, बेटा साइकिल ऐसे चलती है, तो क्या वो साइकिल चलाना सीख जाएगा, नहीं सीखेगा ना, उसके लिए प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा वर्कशॉप होगा, जहाँ पे प्रैक्टिकली वर्क की बात आए, टेक्निकली वर्क की बात आए, और डेवलपमेंट स्किल को डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे, और हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बात आई, वहाँ पे हमारा क्या होगा, वर्कशॉप वहाँ पे हमारा होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सेमिनार की, बात करते हैं सेमिनार जो होता है दोस्तों, आपने सुना होगा कि आज हमारे कॉलेज के अंदर सेमिनार है, आज स्कूल में सेमिनार हुआ, एकेडमी में वो टीचर आ रहे हैं, आज सेमिनार करने आ रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो सेमिनार होते हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, लेक्चर दिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन दी जाती है, तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कॉन्फ्रेंस की, बात करते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है दोस्तों, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। क्रिएटिव यानी कि जो रचनात्मक विचार है, क्रिटिकल थिंकिंग जहां पे वाद विवाद की बात है, तो वहां पे हम आइडिया और इश्यूज को डिस्कस करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होगा, कॉन्फ्रेंस वहां पे हमारा राइट आंसर होगा। जी और जो सेमिनार है, सेमिनार छोटे लेवल पे किया जाता है और कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़े लेवल पे की जाती है। जी चलिए अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं, और जो कीवर्ड्स है कीवर्ड को देखते हैं कि ये कीवर्ड्स हमारे किस तरह से यूज हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तैयार हो जाइए मलेशिया जाने के लिए, जो दोस्त राइट आंसर देगा उसे मैं मलेशिया के टूर पे ले चलूँगा। हाँ भाई मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मजाक नहीं कर रहा, टिकट बन रही है, जो भी आंसर दे रहा है ना उनके कमेंट में, जो भी आंसर दे रहा है उनके मैं लिस्ट बना रहा हूँ। जी चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्कशॉप इज ये किसके लिए होती है, ये यहाँ पर आप देखेंगे एक
ए कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑन ए टॉपिक, नहीं ये कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं होती, और मीटिंग फॉर ए डिस्कशन ऑन ए टॉपिक नहीं जी। हमने क्या बात की थी इसके अंदर, हमने टेक्निकली बात की थी है ना, हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बात की थी, प्रैक्टिकली वर्क की बात की थी। तो इसके अंदर आप देखिए, ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ ए स्किल और टेक्निक फॉर सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये देखिए ये आ गया ना डेवलपमेंट ऑफ ए स्किल, ये हमारा कीवर्ड यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं। आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना है, कौन सा शब्द है जो हमारा इस पैराग्राफ में इस क्वेश्चन में यूज हुआ है, केवल उस शब्द को आपको देखना, अगर वो शब्द है तो वही इसका ऑप्शन राइट होगा। तो राइट आंसर इसका क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। जब सॉरी दोस्तों, व्हेन एकेडमिशियन आर कॉल्ड टू डिलीवर लेक्चर और प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस ऑन सर्टेन टॉपिक और ए सेट ऑफ टॉपिक ऑफ एजुकेशन नेचर, तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, जहाँ पे हम एकेडमिशियन आके शिक्षाविद आके लेक्चर देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा। ये मैंने आपको बताया था ना, हमारे सेमिनार वगैरह कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, एकेडमी में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, और लेक्चर प्रेजेंटेशन कहाँ दी जाती है, सेमिनार में दी जाती है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सेमिनार जी। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, शाबाश। तो दोस्तों इस तरह से आपको बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको बस छोटे छोटे शब्द हैं, उन शब्द को आपको ध्यान में रखना है जी। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये आ गया हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्या होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी पोटेंशियल फॉर नर्चिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर, तो ऐसी कौन सी विधा है जिसके अंदर हम क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, किस में बात करते हैं। मैंने बताया था आपको, अगर आंसर नहीं दिया ना मुक्का मारूंगा, खींच के पीठ में मुक्का मारूंगा, दोबारा देख लेना चाहिए वीडियो, मैंने कौन सा कीवर्ड बताया था क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। यहाँ पे क्या होगा हमारा, रिसर्च समरी होगा, सेमिनार पेपर होगा, रिसर्च कॉन्फ्रेंस होगा, या फिर वर्कशॉप होगा, बताओ भाई। इसका कमेंट में आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं भाई। ए वर्कशॉप इज मेंट फॉर, वर्कशॉप का उद्देश्य क्या होता है, क्या मतलब होता है हमारी वर्कशॉप का, बताओ इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। हैंड ऑन एक्सपीरियंस, लिसनिंग टू स्कॉलरली लेक्चर, लेक्चर को सुनते हैं हम, या फिर हैंड ऑन एक्सपीरियंस यानी कि हाथों के द्वारा चीजें कर करके देखते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ भाई, बताओ बताओ इसका राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर दीजिए क्या होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेमिनार, सेमिनार की विशेषताएं क्या क्या है वो हमें बतानी है जी। तो सेमिनार के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, एक तो यही देखो एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस होता है इसके अंदर, ठीक है, शिक्षा के अंदर इसका उपयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये हो जाएगा हमारा एक तो। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या करते हैं, हाँ ये देखिए ए है इसके अंदर, ठीक है, ए ऑप्शन तो हमारा होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, और ए इसके अंदर कहाँ पे है, ये देखिए बी और सी, बी और डी, बी सी डी, यानी कि ए जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है जी। तो देखिए एक ऑप्शन को देख के ये हमारे ये देखिए ये सेमिनार है, सेमिनार के लिए कीवर्ड क्या है हमारा, एकेडमिक है, एकेडमिक कहाँ पे हमारा ए में है, बस एक शब्द को देख के आप पूरा क्वेश्चन कर दिया यार आप लोगों ने, ए और किसी में ऑप्शन है ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मैं आंसर भी यहां पे आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। हर यूनिट के अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, और उनके छोटे छोटे कीवर्ड से एक शब्द को देख के आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये सब कुछ जानना है तो ये सब कुछ हम आपको पेड कोर्स में बता रहे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए, एड फ्री वीडियोस, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स, 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में, और टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने अलग अलग किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसर्च के अंदर जो टाइप ऑफ स्केल है उसके क्वेश्चन अलग रखे हैं,
वर्कशॉप के अलग है और इथिक्स के अलग है, सभी क्वेश्चन हमने सब टॉपिक वाइज भी अलग अलग किए हुए हैं। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे ना दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, तो आपका पहली बार में ही नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। और पेपर फर्स्ट की गारंटी हमारी है, हम आपको जेआरएफ दिलवा के रहेंगे। हमारा टारगेट सिर्फ एक है, हम जेआरएफ लेके रहेंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जी। और या फिर आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों जी। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ए वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया एंड इशू मे बी मेड पॉसिबल। अब ये देखिए बड़े लेवल पे हम आइडिया और इशू को डिस्कस कहाँ पे करते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, जो सेमिनार होता है सेमिनार छोटे स्तर पे होता है, और कॉन्फ्रेंस जो होती है, सम्मेलन जो होता है, सम्मेलन बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, सम्मेलन के अंदर क्या होता है, जैसे कई बार सम्मेलन आपने सुना होगा कि वहाँ पे सभा हो रही है, बड़ा सम्मेलन हो रहा है, तो सम्मेलन के अंदर हजारों लोग भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वहाँ पे हम आइडियाज और इशू को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 कॉन्फ्रेंस हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं सभी क्वेश्चन का जी। तो मजा आ रहा है ना दोस्तों आप लोगों को, वीडियो को यार लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, प्लस में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत से दोस्त केवल वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको वर्कशॉप सेमिनार और कॉन्फ्रेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनके जो कीवर्ड है कीवर्ड को आप याद रख लेना, घोट के पी लेना, चाहे कुछ भी करना यार, बस आप ये शब्द याद कर लेना, इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, पहली बार में नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो सकते हैं आप जी। चलिए चलिए दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है रिसर्च इथिक्स। इससे रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आए हैं और कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, उनकी हम बात करेंगे जी। तो इसके अंदर रिसर्च इथिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, शोध नैतिकता कहते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें नैतिकता होनी जरूरी है, ये नहीं है कि हम गलत तरीके से कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट के अंदर मतलब क्वेश्चनायर करने हैं, 100 लोगों का सर्वे करना है, ऐसा नहीं है कि हम घर बैठे ही सभी का सर्वे कर दिया, तो वो क्या है, रिसर्च इथिक्स के खिलाफ है, शोध नैतिकता के खिलाफ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, तो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों रिसर्च इथिक्स में, एक तो सिंपली यही क्वेश्चन आते हैं कि वहां पे कोई गलत तरीके से काम कर रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा वहां पे समझना पड़ेगा। और जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जो रिसर्च एथिक्स है वो कहां पे उपयोग किया जाता है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं अपने रिसर्च के लिए वो सही तरीके से लेनी है, ये नहीं है कि हम ऐसे ही हमने उठा ली कहीं से भी उठा ली, तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के अंदर सबसे पहले इसका उपयोग होता है रिसर्च एथिक्स का। उसके बाद में हम बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। अब देखिए हम मान के चलते हैं कि हमने रिसर्च करने से पहले हमने ये हाइपोथेसिस बनाई कि आजकल युवा जो है बहुत ज़्यादा नशा करने लग गए हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट में हमें ये निकल के आया भाई आजकल जो युवा है वो नशा बहुत कम करने लग गया, तो ये उल्टी हो गई है ना। लेकिन हम अपनी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हाइपोथेसिस को अगर चेंज कर देते हैं ज़बरदस्ती, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा रिसर्च एथिक्स का उल्लंघन होगा। यानी कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है और उसी की टेस्टिंग हमें सही तरीके से करनी है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो चाहे वो कैसी भी निकल के आए बाद में, ठीक है, वो हमें सही तरीके से टेस्टिंग करनी है। उसके बाद में दोस्तों डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन में कैसे यूज होता है, मान के चलिए हमने, मैंने अभी बताया ना 100 लोगों का सर्वे करना है, तो हमें 100 लोगों के पास जाना पड़ेगा, ये नहीं है कि हम घर बैठे बैठ के हमने डेटा कलेक्शन कर लिया, घर बैठे ही सारी चीज़ें भर ली, हमने 10 हमारे फ्रेंड्स को दे दिया भाई चलो ये आप भर दो ये डेटा, तो ऐसा नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन यानी कि जो हमने डेटा इकट्ठा किया उसकी व्याख्या, व्याख्या हमें सही तरीके से करनी है, गलत व्याख्या नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च फाइंडिंग, जो हमारी रिसर्च की फाइंडिंग आई है वही हमें फाइंडिंग वहाँ पे दिखानी है, जो रिजल्ट है वो हमें दिखाना है, उस रिजल्ट के साथ हमें हेर फेर नहीं करनी, कोई भी बदलाव उसमें हमें नहीं करना जी। तो राइट आंसर इसका, सॉरी इसका जो कीवर्ड है वो रिसर्च फाइंडिंग भी हो जाएगा। 5 कीवर्ड है इसके अंदर, रिसर्च फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन और रिसर्च फाइंडिंग। तो इन्हीं कीवर्ड को हम देखेंगे क्वेश्चन में किस तरह से बार बार रिपीट हुए हैं जी। चलिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये है, रिसर्च एथिक्स हैज ए डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफ्टन
विद विच स्टेज ऑफ रिसर्च, कौन सी स्टेज के अंदर हमारा रिसर्च इथिक्स उपयोग होता है वो हमें बताना है। मैंने आपको कीवर्ड बताए थे, वो कीवर्ड हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। ये देखिए, डिफाइनिंग एंड डेलिमेट ऑफ द स्कोप ऑफ रिसर्च, नहीं इसकी हमने बात नहीं की थी। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, इसकी बात की थी ना, ठीक है। एंड रिपोर्ट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ये देखिए रिसर्च फाइंडिंग की बात की थी हमने, और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, इन दो की बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन दो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इन दोनों कीवर्ड की बात की थी, ये दोनों कीवर्ड हमें यहाँ पे मिल गए। तो राइट आंसर इसका यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन टू इसका राइट आंसर है। और आंसर यहाँ पे देख भी लेते, जी बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर टू है जी। और दोस्तों आप ना जितने भी क्वेश्चन हैं आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करके देखना, और जो कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ क्या वो कीवर्ड यूज हो रहे या नहीं हो रहे, ये भी आप मेरे को बताना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें कौन सा मुद्दा हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे कीवर्ड फाइंड आउट कीजिए, कीवर्ड फाइंड आउट कीजिए। चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, नहीं रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ये आ गया ना हमारा रिसर्च फाइंडिंग, यस यस यस, ये देखिए रिसर्च फाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स इज पेरिटेनेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च, कहाँ कहाँ पे हमारा ये यूज होता है वो हमें बताना है, रिसर्च एथिक्स रिसर्च की कौन सी स्टेज में। अब ये देखिए इसमें हम फाइंड आउट करते हैं वही हमारे कीवर्ड्स, तो इसमें देखते हैं, ये देखिए डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट ऑफ रिसर्च, फाइंडिंग एंड रिजल्ट, ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी। तो यहाँ पे हम इसका कीवर्ड है ये हमें मिल गया। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। आ रहा ना मज़ा, आ रहा है ना? तो दोस्तों अगर आपको रियली में मज़ा आ रहा है यार, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकेम रिलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च, और ये क्वेश्चन आप नीचे देख सकते हैं, 2 दिसंबर 2019 को क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें हम वही देखते हैं हमारे कीवर्ड कौन कौन से, उन कीवर्ड को हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये बात हमने की थी ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, और उसके बाद में डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये दोनों की हमने बात वहाँ पे की थी। तो ये देखिए बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सॉरी सी और डी, सी और डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और राइट आंसर इसका यहाँ पे देख भी लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन थ्री है दोस्तों, सी एंड डी। अच्छा अब कई दोस्त इसके अंदर एक चीज और कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सिलेक्शन के अंदर भी हमने इसकी बात की थी ना, तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए सी डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है ही नहीं यूजीसी ने, तो हम क्या करें। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों छोटे छोटे कीवर्ड्स को हमें ध्यान में रखना है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए आगे फिर आगे हमारा, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी के साथ हमारा रिसर्च एथिक्स जुड़ा हुआ है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, रिसर्च रिपोर्टिंग की बात की थी हमने, है ना, तो राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा ये दोस्तों। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आगे फिर से हमारा एक क्वेश्चन आ गया यार, इसका तो आंसर मैंने दिखा दिया, इसका आंसर आपसे पूछना था, पहले मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर आपको दिखे ना जी। चलिए रिसर्च एथिक्स कहाँ पे यूज होता है, कौन से एरिया में, वो हमें बताना है। तो इसका ये देखिए, एक तो डेटा कलेक्शन के अंदर हमारा यूज हो रहा था, है ना, डेटा कलेक्शन के अंदर इसका उपयोग कर रहे थे हम। उसके बाद में हम किस में कर रहे थे, डेटा एनालिसिस में कर रहे थे रिसर्च एथिक्स का उपयोग। और उसके बाद में हम किस में उपयोग कर रहे थे, ये है हमारा सिलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, ये देखिए ये रहा हमारा ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन एक तीन और छः, एक तीन और छः है इसमें, हाँ यहाँ पे छः आएगा दोस्तों, छः आएगा यहाँ पे, एक तीन छः आएगा, एक तीन पाँच नहीं आएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, और आंसर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ऑप्शन इसका बी है, और यहाँ पे पाँच की जगह छः आएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं कल बना रहा था ये, जब क्वेश्चन अलग अलग कर रहा था तो वहाँ पे छः था, गलती से यहाँ पे पाँच लिखा गया जी। और इसे कल भी मैं सोच रहा था सही करना है, लेकिन ध्यान में नहीं रहा,
जी ये 6 आएगा, 1, 3 और 6 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और मैं आपको फिर से दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप इस तरह से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी करते हैं तो आपका नेट और JRF क्वालिफाई हो सकता है पहली ही बार में। और पेपर फर्स्ट की गारंटी हमारी है, हम आपको JRF दिलवा के रहेंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है, उसके अंदर ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स दे रहे हैं, वीडियोस दे रहे हैं और टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये पीडीएफ जो अभी आप पढ़ रहे हैं हमारे ऐप के अंदर आपको पेड कोर्स में मिल जाएगी जी, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, वहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स की फीस कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों, कोर्स की फीस 500 से 700 रुपए इसकी नॉर्मल फीस है जी। और इसमें हम आपको लाइव मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं ऐप के अंदर, बहुत कुछ इसमें आपको मिल रहा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन रिसर्च आर लीस्ट वल्नरेबल टू रिसर्च एथिक्स, सबसे कम रिसर्च एथिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है, ये बात ये बोल रहा है, सबसे कम किसमें उपयोग किया जाता है वो हमें बताना है। सबसे इसमें ये देख लिए कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है, उनको छोड़ के बाकी आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो इसका आंसर आप सभी को देना है कॉमेंट बॉक्स में, मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूँ जी। मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है इसका, पहले वो देखते हैं। डेटा कलेक्शन के अंदर होता है इसका, ठीक है, डेटा एनालिसिस के अंदर होता है, और रिसर्च आउटकम के अंदर होता है, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च आउटकम, इन तीनों के अंदर हमारा, इन तीन के अंदर हमारा उपयोग होता है रिसर्च एथिक्स का। उसके बाद में हमारे ऑप्शन क्या रह गए, ए और बी हमारे ऑप्शन रह गए, और ए और बी किसके अंदर है ये देखिए, ये रहे हमारे ऑप्शन वन में है हमारे। इसमें क्या पूछा हुआ है, कहाँ पे रिसर्च एथिक्स का उपयोग बहुत कम किया जाता है जी। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, सभी शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे 2012 से 23 तक, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कथन अभिकथन के क्वेश्चन, ये देखिए 2021 में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं, और अभी हमारे पास 2022 के क्वेश्चन भी आ गए, वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। इसमें जो हमारे कथन अभिकथन के क्वेश्चन होते हैं उनको हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक कथन अभिकथन का क्वेश्चन है, डेटा एनालिसिस इन रिसर्च बीइंग ए टेक्निकल जॉब, रिसर्च एथिक्स डज नॉट मैटर, ये बताओ ये क्या बात सही कह रहा है, क्या ये कह रहा है कि जो डेटा एनालिसिस है वो एक टेक्निकल कार्य है, इसके अंदर रिसर्च एथिक्स का उपयोग नहीं होता, रिसर्च एथिक्स का कोई मतलब ही नहीं बनता इसके अंदर, ये बताओ क्या ये बंदा बात सही कह रहा है, क्या स्टेटमेंट सही कह रहा है, क्या ये स्टेटमेंट नंबर वन सही कह रहा है ये। हमने कीवर्ड क्या देखा था, डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस और रिसर्च फाइंडिंग देखा था ना हमने, तो डेटा एनालिसिस के अंदर उपयोग होता है ना हमारा, होता ना रिसर्च एथिक्स, यस। तो इसकी जो स्टेटमेंट वन है दोस्तों वो फॉल्स हो जाएगी, इसकी स्टेटमेंट वन जो है वो गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन फोर हो जाएगा, कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो वो सत्य है। इसका राइट आंसर यहाँ पे देख भी लेते हैं, ये देखिए दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन फोर बिल्कुल सही है ना, है ना जी, यस यस यस। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं यार, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोग अभी तक कैसे पढ़ रहे थे, थ्योरी पढ़ ली बस, रटे जा रहे थे, समझ में आ ही नहीं रहा था यार ये लफड़ा क्या है, किस तरह से हमें पढ़ना है, क्या चीज़ हमारी एग्जाम में रिपीट हो रही है, किस चीज़ पर हमें ध्यान देना है, क्या चीज़ हमें छोड़नी है, ये चीज़ आपको पता ही नहीं थी यार। तो थोड़ा सा इसे स्मार्ट वे में पढ़िए आप, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बार बार आपका पहली बार में नेट JRF क्वालिफाई हो सकता है। चलिए, और दोस्तों मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए आगे हम और क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको, बोर तो नहीं हो गए, बोर हो गए, चलिए बोर हो गए तो आप इन क्वेश्चन को करना भाई, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आप करना, ठीक है। ये पीडीएफ ले लेना, हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगी, हमारी ऐप है निमिज नेट ऐप है, ये ऐप डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर आपको सब कुछ हमारा मिल जाएगा जी। और
दोस्तों इस ऐप के अंदर जो भी हमारे डेली क्लास होती है वो क्लास के बारे में बताते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो देते हैं, बहुत कुछ इस ऐप के अंदर फ्री में हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करना, और क्या हमें आगे इस तरह से और भी वीडियोज़ बनानी चाहिए टीचिंग की, रिसर्च की, ICT की, कम्युनिकेशन की, और यूनिट की अगर वीडियो बनानी है, किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी है कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली वीडियो उसी टॉपिक पर आएगी। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताना, और एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, और आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों NTU UGC NET एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर, इस दौरान दोस्तों वीडियोज आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों, आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।